समाचार क्यूरी हिंदी न्यूज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, जहां आपको मिलती हैं सभी लेटेस्ट अपडेट्स। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी सभी डेली लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। नारी में शक्ति सारी, क्यों कहें नारी को बेचारी, यह कहना था उपायुक्त सोनल गोयल का, जो शनिवार को लघु सचिवालय परिसर स्थित संवाद भवन में ग्राम स्वराज अभियान के अंतिम दिन आजीविका एवं कौशल विकास दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित रही। उपायुक्त सोनल गोयल ने जिले में कार्यरत महिला एवं सहायता समूहों की प्रशंसा करते हुए कहा कि हरियाणा राज्य आजीविका मिशन के तहत हम झज्जर जिले में अपने लक्ष्य तक पहुँचे हैं। इस कार्यक्रम के तहत महिला का आर्थिक स्वावलंबन भी हुआ है, जो कि नारी सशक्तिकरण के लिए प्रसन्नता देने वाली बात है। उन्होंने महिलाओं का उत्साह वर्धन करते हुए कहा कि सृष्टि की रचना से लेकर इंसान के पालन पोषण से व्यक्तित्व निर्माण में नारी की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। स्वयं सहायता समूह के गठन का भी यही उद्देश्य है कि महिलाओं की प्रतिभा को आगे लाया जाए। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का प्रयास रहा है कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से तैयार होने वाले उत्पादों को जिले के बाहर भी प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाए। उपायुक्त ने कहा कि लैंगिक असमानता को रोकने के लिए बेटी का जन्मदिन मनाना, जन्म पर थाली बजाना, कुआ पूजन आदि प्रथाओं को लोकप्रिय बनाना होगा। उन्होंने कहा कि लैंगिक असमानता को रोकने के लिए यूनिसेफ की सहायता से जागृति प्रोजेक्ट आरम्भ किया है। कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त ने आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना के तहत महिला स्वयं सेवकों को वाहनों की चाबी सौंपी तथा वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही महिला स्वयं सहायता समूह की प्रतिनिधि महिलाओं को ऋण भी वितरित किए गए तथा सराहनीय कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर लीड बैंक मैनेजर प्रेम सिंह, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के जिला समन्वयक योगेश पाराशर, मुंतजिर आलम, टेकचंद, नरेश कुमार ट्रेनर, संदीप बोडिया, स्वच्छता समन्वयक मीनू तथा महिला स्वयं सहायता समूहों की ओर से कविता बदाना, राजेश कोट, सुशीला कोट, गोमती नूना माजरा, सुदेश असांडा, अनीता जहांगीरपुर आदि उपस्थित रहे।